हाइड्रोजन का फॉर्मूला बता। इजी, ऑक्सीजन का, H2 वाटर का, O2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं पढ़ाया गया अच्छा चलो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक हाइड्रो है, तो हाइड्रो से मतलब समझ गया एच होगा। है। हाँ, लेकिन H मालूम है, लेकिन उसके आगे क्लोरिक एसिड है। एसिड का फॉर्मूला थोड़ी मालूम है कि मैं हाँ तो हम बता बता रहे दूँ। हैं ना, क्लोरिक एसिड का मतलब है उसमें क्लोरीन है, क्लोरीन होता है Cl, तो उसका हाइड्रोक्लोरिक क्लोरीन एसिड। होता क्या है, ये कैसे टाइप का पदार्थ है, क्लोरीन एक क्या एलिमेंट है, गैस। होता है उस क्लोरीन से, क्या क्या चीज यूज किया जाता है। जैसे मरकरी के कई यूजेस होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के तो वो उत्पन्न होता हाँ तो गूगल बाबा को डायल करो और पूछो यूजेज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन गैस। क्लोरीन का एक यूज हमको मालूम है कि वाटर को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन ऐड किया जाता लेकिन क्लोरीन हार्मफुल होता है या नहीं? है। हार्मफुल तो कोई भी चीज होगा अगर ज्यादा ऐड करेंगे तो, जितना जितना अमाउंट ऐड करना परमिसिबल है उतना ऐड कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ क्या करना था। हाँ, यूजेस यूजेज ऑफ क्लोरीन। ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन हैज अ वैरायटी ऑफ यूज, इट यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर एंड इट्स पार्ट्स ऑफ सैनिटाइजेशन प्रोसेस फॉर स्वेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड क्लोथ्स। क्लोरीन इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग एजेंट। इट इज ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, इंक्लूड हाउस होल्ड ब्लीच विच इज क्लोरीन डिजॉल्व इन वाटर। अच्छा, मतलब HCE इसका फॉर्मूला होगा। सी HCE नहीं है, CL है, कैपिटल सी और एल स्मॉल एल। कैपिटल HCE। सी और स्मॉल एल एक सा एक वर्ड है वो, CL। Cl हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला नहीं पूछे। प्रयोगसाइड नहीं है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड उसका भी फॉर्मूला पूछिए। मुरमुरा है बहुत। हाँ बताओ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला बताओ, H2O2 उसका यूजेस बताओ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूजेस तो नहीं मालूम। गूगल बाबा को डायल करो। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। प्रयोगसाइड नहीं होता है, हियर्स अ समरी फ्रॉम पेरोक्साइड वेब होता है, एमडी। पेरोक्साइड हेल्थ यूजेस बोलो फॉर ना तो हाइड्रोजन उसको। पेरोक्साइड: क्या क्लीनिंग क्या? कट्स, ईयर वैक्स, स्वोलन गम्स, कैंकर सॉस, व्हाइटन टीथ, हेयर डाई, एक्ने, डिसइंफेक्टेंट एंड मोर। वो गैस है कि वो है, क्या कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड है, लिक्विड तो उसको केमिस्ट्री के मेडिसिन, एलिमेंट्स में क्यों ऐड किया जाता है? केमिस्ट्री के एलिमेंट में लिक्विड केमिकल में नहीं होता है क्या? केमिकल में लिक्विड भी होता है। ये नहीं पूछ रहा मैं केमिस्ट्री के, वो क्या कहते हैं उसको। अच्छा हाँ छोड़िए, उसमें तो वो भी मिलता है, गोल्ड ये सब भी रहता है एलिमेंट्स में के साथ। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होता है। उस वाले में क्या कहते हैं, सॉलिड में मेटल होता है, लिक्विड में तुम्हारा अब वाटर। मरकुरी का नहीं पूछे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेडिसिन के तरह यूज होता है। में आप मरकुरी का फॉर्मूला नहीं पूछे, ये चलो मरकरी का फॉर्मूला बता। तो मैं खुद से जाना हूं, जब मैं देखा था एक दिन, क्या कहते हैं वो वाला टेबल जो भी हो। हाँ, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जाना था। HE उसका फॉर्मूला HE है। एच ही तो हीलियम का होता है। जी हीलियम का होता है तो मरकुरी का क्या होता है?
वापस से पूछ लो। मर्कुरी का एच जी होता है, एच जी। ठीक है, लिक्विड एच टी। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मर्करी? अकॉर्डिंग टू पब कैम, नी मोलेक्यूलर फॉर्म्यूला एच जी सिनोनिम्स 7439976। कितना बोले भाई? शांत भी रहो। आप बोलिए, दो और भी कुछ पूछिए। तो जैसे क्या क्या मिलाएंगे कि क्या बन जाएगा? प्लस करना है। अब वाटर, वाटर तुमको हवा में बनाना है तो क्या मिलाओगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हवा से, हवा से तुम हाइड्रोजन ले सकते हो और ऑक्सीजन भी ले सकते हो। हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर लेंगे और हाइड्रोजन सिलेंडर लेंगे। हाइड्रोजन का सिलेंडर कहाँ मिलता होगा? मेरे हिसाब से एयरपोर्ट में मिलता होगा, प्लेन्स में लगाया जाता होगा हाइड्रोजन का सिलेंडर। मेरे हिसाब से शायद यूज आता होगा हाइड्रोजन का सिलेंडर का। तब प्लेन की जगह से हाइड्रोजन का सिलेंडर उठाएंगे, ऑक्सीजन को डालेंगे और हाइड्रोजन को डालेंगे, बात खत्म। बता, ऑक्सीजन का सिलेंडर कहाँ से उठाओगे? कोरोना आ गया है ना, तो मिलता होगा, खरीद लेंगे दुकान से। हॉस्पिटल में मिलेगा ऑक्सीजन का सिलेंडर। तो वो तो बाजार में तो भी मिलता होगा, इतना कोरोना बढ़ गया। वाटर, वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल चाहिए और ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल चाहिए? ऑक्सीजन के लिए 2 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के लिए कोई मॉलिक्यूल नहीं। उल्टा बोलता। वो कैसे? ऑक्सीजन का मतलब एच वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? H2O। H2O यानी ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल प्लस हाइड्रोजन का 0 मॉलिक्यूल्स। जी नहीं, एच में 2 है ना, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल हुआ और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल हुआ। ये 2H कहाँ से आ गया? 2H थोड़ी होता है, H2 होना चाहिए तब तो। मेरे हिसाब से ये कौन बनाया भाई अच्छा तो केमिस्ट्री ठीक है, उसको चलो ठीक है, पूछना। तुम सही बोलता है, ठीक है, ओके। मॉलिक्यूल एटम से बनता है, तो हाइड्रोजन का 2 एटम होगा और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा, तो वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। ये कैसे हो सकता है? मेरा को हाइड्रोजन मेरा तो मॉलिक्यूल। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन गलत था, अभी सही पूछते हैं। चलो, वाटर में हाइड्रोजन का कितना एटम होता है और ऑक्सीजन का कितना एटम होता ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों में 2 एटम होता है। है? हाइड्रोजन में 2 लगाते हैं ना, तो इसलिए हाइड्रोजन का 2 एटम हो गया, उसमें 2 लगा हुआ है, और ऑक्सीजन में ओ के H2 और O2H O2H। क्यों हुआ? H2। अच्छा, तब ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब H, मैं ही कुछ और समझ रहा था, फॉर्मूला H के बाद में, ही तो गलत। H के बाद में 2 लगा है जी, और H H OH2 गलत हो गया, H2O। हाँ, और H2O में 2 कैसे लिखते हैं? टू H नीचे होगा। हाँ, H के नीचे 2 लिखते हैं ना। लेकिन वो तो उसके उसके कितना होता है? मतलब बिफोर में थोड़ी लगता है, वो आफ्टर में लगता है। समझा बिफोर, बिफोर करिए में, बातों बिफोर को। में अगर नंबर हो गया ना, तो वो हो जाता है मॉलिक्यूल। जैसे हम एच टू ओ बोले, सुनो, जैसे हम एच टू ओ बोले तो वो वाटर का 1 मॉलिक्यूल हुआ, लेकिन अगर हम वाटर का 2 मॉलिक्यूल हमको बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 2H2O, उसमें बड़ा सा 2H के बराबर में लिखा जाता है, उसका मतलब होता है H2O का 2 मॉलिक्यूल है। सुनिए मेरी बात। ये H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में फॉर्मूला क्या है? H2SO4 यानी हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन इसमें है का, तो सल्फर हाइड्रो प्लस हाइड्रोजन का 2 एटम,
हाइड्रोजन का दो एटम, सल्फर का एक एटम और ऑक्सीजन का चार एटम। एटम उसके मॉलिक मॉलिक्यूल नहीं, एटम एटम H2SO4। मॉलिक्यूल का बात कर रहा था ना मैं। मॉलिक्यूल तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, ये सब एटम को जोड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो मॉलिक्यूल होगा, वो मॉलिक्यूल होगा H2SO4 का। मेरा दिमाग घूम गया अब तो, आप जो हाँ कह ठीक रहे है, हैं। हम बताते हैं, गूगल बाबा को डायल करो। क्या डायल करूं? 1188992801 हाँ इसमें लिखो, नहीं 1188290। इसमें बोलो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ नहीं वाटर, डायल कर ऐसा दिया। लिखो, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐसा लिखो। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। According to bbgov.com, a water molecule has three atoms, two hydrogen atoms and one oxygen atom. That's why water is sometimes referred to as H2O. अब मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर ऐसा बोलो तो ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? द फॉर्मूला फॉर वाटर इज हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाँ केमिकल केमिकल नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड O2H होता है ना, यह तो H2। अच्छा हाँ H2। मेरा दिमाग ही घूम जा रहा है। ठीक इसमें इमेजेस में जाओ, इमेजेस में। नहीं सॉरी, मैं समझ गया आप कहना क्या चाह रहे थे। आप करेक्ट है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला ही को उल्टा पढ़ दिया था। मुझे लगा था O2H होगा। ठीक ठीक है इमेजेस में जाओ ना, इसका है तो आप स्ट्रक्चर जो भी दिखाते हैं, इमेजेस में जाओ। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। इमेजेस में जाने बोल रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? ठीक है, इमेजेस में जाता हूँ। पागल कर देगा हमें। देखो देखो हाइड्रोजन का वाटर का फॉर्मूला यहाँ पर है, देखो ये। ये पीएम और डिग्री काहे पर आ रहा है? ये इंसान पागल हो गया क्या? वो कितना डिग्री में मॉलिक्यूल बाइंड होता है वो दिखा रहा है। बाइंड बाइंड का क्यों पढ़ाना भाई? बाइंड मतलब एक दूसरे से जब मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो उसको बाइंडिंग बोलते हैं। तो बाइंडिंग क्यों पढ़ा रहा है? मेरा क्वेश्चन का आंसर दो ना करेक्टली। ये देखो ओ है, सेंटर में ओ है और नीचे एक हाइड्रोजन है और लेफ्ट साइड में एक हाइड्रोजन है, और उसको डायग्राम में अगर बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा डायग्राम में। सेंटर में रेड कलर यहाँ का पे एक ऑक्सीजन प्रॉब्लम है, दिखाया यहाँ है। पे दो डॉट्स क्यों डाले जा रहे हैं भाई? ये दो डॉट्स वो उसका इसके ऊपर में, वैलेंसी दिखाता है, वैलेंसी। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एटम? अब आया। According to Baijus, the combining capacity of an atom is known as its valency. The number of bonds that an atom can form as part of a compound is expressed by the valency of the element. पापा आपको एक बात करना था, क्या कहो आपसे पूछ रहा हूँ कितने एटम होते हैं? कितने एटम होते हैं? एटम में क्या कहता है, कितने मैटर होते हैं पापा? मैं पूछ रहा कितना मैटर होता है। मैटर मैटर तो एक ही होता सॉलिड लिक्विड गैस ये सब नहीं पढ़े हैं है, मैटर। वो तो मैटर का फॉर्म होता है, कितने फॉर्म्स ऑफ मैटर होगा तब हम बोलेंगे कितने फॉर्म्स थ्री ऑफ मैटर होते हैं? थ्री थ्री फॉर्म्स। यही है आपका केमिस्ट्री का है? क्यों थ्री से भी ज्यादा होता है क्या? सुपर सॉलिड, सुपर लिक्विड, सुपर गैस, कई तरह के होते हैं। उसमें साथ में वो भी आता है, क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मा भी आता है, और भी कई कई आते हैं। मैं अच्छा पूछ लेता हूँ यहाँ पे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम
क्या करते हैं उसको, मैटर। मैटर। हाँ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर। मीनिंग ऑफ मैटर, अ क्या, सब्जेक्ट और सिचुएशन दैट यू हाउ मस्ट मेनी थिंक अबाउट टाइप्स एंड गिव योर ऑफ अटेंशन टू। मैटर, हाउ मेनी टाइम्स आ गया, थैंक अकॉर्डिंग टू यू, बायजूस, थ्री टाइप्स ऑफ मैटर आर थैंक यू। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। नीचे नीचे है, व्हाट आर द सेवन टाइप्स ऑफ मैटर, ये खोलो। 22 होता है, देखिए इसमें लिखा, अ सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विद एन वॉल्यूम, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, मोस्ट इंस्ट कंडेंस, सुपर फ्लूइड, फ्रॉनिक कंडेंसेशन, राइट, स्टेट ऑफ मैटर। ये जाते हैं साइंस नोट्स इसमें। हाँ दिखाओ तो, 22 टाइप्स ऑफ मैटर आज हम भी पढ़ेंगे। देखिए मुझे आपसे ज्यादा मालूम है, इसका मतलब हाँ सॉलिड, बहुत लिक्विड, अच्छा। ग्लास। यहाँ पे चार टाइप्स के होते हैं, चारों में अलग-अलग फेज होते हैं, मतलब हाँ अलग-अलग सॉलिड में भी कोई अलग-अलग टाइप का होता है। देखिए सॉलिड फ्रीजिंग मेल्टिंग का, लिक्विड कंडेंसेशन से वेपरेशन, प्लाज्मा अलग है। प्लाज्मा का मतलब मालूम है क्या होता है? प्लाज्मा क्या होता है? एक ऐसा चीज है जो अलग होता है, कोई अलग टाइप का चीज होता है, अलग टाइप का एनर्जी सोर्स होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ प्लाज्मा कैसा दिखता है, हाउ लुक्स प्लाज्मा। देखिए ये स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा ऐसा दिखता है कुछ, ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा का ग्लोब भी होता है, देखिए प्लाज्मा किस में मिलता है, इस सूर्य में मिलता है। देखिए प्लाज्मा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये दिखाता हूँ मैं, ये ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है ना प्लाज्मा कैसा होता है, प्लाज्मा हाँ कुछ इसी तरीके से होता है। ओके। और ये 22 टाइप्स ऑफ मैटर तुम दिखाने वाला था हमको, नाम तो अभी तक हम देखे नहीं। लेकिन ये सब वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है, ये प्लाज्मा नहीं है, रियल प्लाज्मा नहीं है। हाँ ब्लड में भी प्लाज्मा होता है ना? नहीं, वो ब्लड प्लाज्मा अलग होता है। ठीक है, तो अभी स्टेट्स ऑफ मैटर में दिखाओ, 22 टाइप्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में दिखाते हैं, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर, ये पढ़ना है, सी द लिस्ट ऑफ स्टेट मैटर। द फोर फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा, बट साइंटिस्ट आर डिस्कवरिंग न्यू स्टेट्स ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। प्लाज्मा पढ़ लीजिए एक बार, प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ अ मैटर सिमिलर टू अ गैस, एक्सपेक्ट क्या कहते हैं, एक्सेप्ट ऑल द पार्टिकल्स कैरी एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज, ऑल्सो प्लाज्मा टेंड्स टू एग्जिस्ट एट अ वेरी लो प्रेशर, सो द पार्टिकल्स आर इवन फर्दर अपार्ट देन इन द गैस। गैस प्लाज्मा कैन कंसिस्ट ऑफ आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाज्मा इंक्लूड लाइटनिंग, द अरोरा, द सन एंड द इनसाइड ऑफ नैनो सिंग। तो मैं आपको नियॉन, बताया था कि सन में भी रहता है, नियॉन अरुराज साइन। में भी हाँ होता है, और ये बोस इंडेंस कंडेंसेट क्या होता है, कुछ और ही बोस, होगा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमारे है इंडिया में सॉलिड, एक, इंडिया में एक साइंटिस्ट है ना, मिस्टर बोस, जगदीश चंद्र बोस, हाँ उन्होंने ये मैटर डिस्कवर किया था, उनके नाम पर है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, बीईसी, इज समटाइम्स कॉल्ड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एटम्स एंड आयन्स स्टॉप बिहेविंग
सेपरेट पार्टिकल्स एंड कोलैप्स इनटू अ सिंगल क्वांटम स्टेट दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग अ सिंगल वेव फंक्शन. दिस स्टेट ऑफ वाटर मैटर वाज वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली इन 1995 बाय एरिक कोरनल एंड कार्ल विमेन. नीचे जा सुपर सुपर फ्लूइड, फ्लूइड सुपर फ्लूइड आता है फ्रॉम ए कंडेंसेट, फर्मियोनिक कंडेंसेट राइडबर्ग मैटर राइडबर्ग फोटोनिक मैटर, मैटर कलर मैटर ग्लास कंडेंसेट कंडेंसेट, फेज ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट मैटर में 1879 दिखा रहा है. वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड लिखा. हाउ एवर द टर्म प्लाज्मा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आई लैंगमुइर इन 1928 टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मैटर इन द पॉजिटिव कॉलम ऑफ ग्लो डिस्चार्ज ट्यूब. देखिए ना, हो गया ना. 1928, आपका ठीक जन्म कब हुआ था? ठीक है ठीक है. तुमको कब पता चला प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर? ये तो स्टार्ट जब मैं फिर क्या कहते हैं केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट ही किया था उसी टाइम पता चल गया था मुझे.